सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको हमारी वीडियोस मिले सबसे पहले। दोस्तों आज की दुखद खबर, 81 साल की उम्र में कादर खान का हो गया निधन। कनाडा में लंबे समय से थे बीमार, बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता कादर खान का निधन हो गया है। न्यूज एजेंसी पीटीआई और आईएनएस ने इस खबर की पुष्टि कर दी है। कादर खान लंबे समय से बीमार थे और कनाडा के एक अस्पताल में उनका निधन हो गया है। इससे पहले उनके बेटे सरफराज ने उनके निधन की झूठी खबरों पर लगाम लगाया था और कहा था कि यह सब अफवाह है, लेकिन अब कादर के बेटे सरफराज खान ने इस बात की पुष्टि कर दी है। कादर खान लंबे समय से बीमार थे और कनाडा में अपने बेटे के साथ रह रहे थे। कादर खान के बेटे सरफराज ने उनके निधन की पुष्टि की है। सरफराज ने पीटीआई को बताया, मेरे डैड हमें छोड़कर चले गए हैं। कनाडा के टाइम के मुताबिक 31 दिसंबर शाम 6 बजे उनका निधन हो गया। वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे। वे दोपहर को कोमा में चले गए थे और वे 16 से 17 हफ्ते से अस्पताल में थे। उनका अंतिम संस्कार कनाडा में ही किया जाएगा और हमारा पूरा परिवार यहीं पर है और हम यहां लंबे समय से रह रहे हैं। हम सब की दुआओं के लिए उनका शुक्रिया अदा करते हैं। आपको बता दें, कादर खान का जन्म 22 अक्टूबर 1937 में अफगानिस्तान के काबुल में हुआ था। इंडो कैनेडियन मूल के थे। कादर खान ने 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है और 1970 और 1980 के दशक के जाने माने स्क्रीन राइटर भी रहे हैं। कादर खान ने फिल्मों में एंट्री करने से पहले सिविल इंजीनियरिंग के छात्रों को पढ़ाया भी था। कादर खान अपने संजीदा और कॉमेडी दोनों ही तरह के किरदारों के लिए खास पहचान रखते हैं। गोविंदा के साथ तो कादर की कमाल की ट्यूनिंग रही है। आज हम सबको हंसाने वाले कादर खान इस दुनिया से चले गए हैं। आप सभी उनकी आत्माओं की शांति के लिए दुआ जरूर करें।